हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं हाज़िर हूँ दराज हॉल के साथ। मुझे पता है बहुत अरसा हो गया था मैंने दराज हॉल नहीं किया था। चीज़ें जमा हुई हुई हैं, बहुत ज़्यादा जमा हुई हुई हैं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं किस तरह करूँ। तो फाइनली मैं बस खड़ी हुई और मैंने कहा यार आज मैं एक हॉल कर देती हूँ, बाकी जो है आई प्रामिस यू गाइस के विद इन 5 to 10 days मैं जितनी चीज़ें हैं वो सारी आपको दिखाऊंगी। लेकिन आज जो है मैं आप लोगों के साथ ज्वेलरी का हॉल शेयर करने जा रही हूँ और एक ड्रेस मैंने मंगवाया था जो अभी तक मैंने ट्राई नहीं किया है, तो वो ड्रेस भी मैं ट्राई करूंगी। जो ड्रेस है उसको मैं दिखाती हूँ आपको। अच्छा, ये मैंने दराज से मंगवाया है जोड़ा, मुझे इसका कॉम्बिनेशन काफी अच्छा लगा था। अब मुझे नहीं पता कि इसकी फिटिंग कैसी होगी कैसी नहीं होगी, बट मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ओके। सो मैं आपको पहन के दिखाऊंगी, डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज द जोड़ा, ये इसकी शर्ट है, ठीक है, और मटेरियल भी इसका बहुत अच्छा लग रहा है मुझे और स्टिचिंग भी इसकी नीट हुई हुई है, काफ़ी नीट स्टिचिंग है। और इसके साथ जो है ना जैसे गरारा नहीं होता उस तरह के फ्लैपर्स हैं। लुक एट दिस, वेरी नाइस, उस तरह के फ्लैपर्स हैं। सो इट्स रियली नाइस। पहन के आपको दिखाती हूँ, ठीक है, कि ये कैसा लग रहा है और मुझे सही आया है कि नहीं आया है। मैंने लार्ज साइज़ या मीडियम लार्ज साइज़ मैंने मंगवाया था और इनकी मेजरमेंट्स जो थी वो मुझे सही लग रही थी। सो ये मैं पहन के आपको दिखाती हूँ, ठीक है, मुझे 2 मिनट दें। तो ये रहा जोड़ा और मैंने इसको अभी अभी ट्राई किया है, सॉरी मैंने इसको प्रेस नहीं किया है, लेकिन बहुत कंफर्टेबल है, बहुत ही खूबसूरत इसका कलर मुझे लग रहा है, बिल्कुल परफेक्ट इसकी फिटिंग है, सिलाई इसकी बहुत अच्छी हुई हुई है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा है, जैसे गरारे वाला जो डिज़ाइन होता है उस तरह के फ्लैपर्स हैं। और मैंने लार्ज साइज़ में मंगवाया था। लार्ज साइज़ जो है, अगर आप खाड़ी का या जनरेशन का 12 पहनते हैं या 14 पहनते हैं तो लार्ज साइज़ आपके लिए परफेक्ट होगा। अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ दूसरी चीज़ें, आई होप के ये अच्छी निकलें क्योंकि अब ये चेंज नहीं हो सकती। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मैंने चाइना से मंगवाई हैं। आप लोगों को पता है कि मैं सीजर नहीं यूज़ करती हूँ और मैं बदतमीज़ी से चीज़ें जो हैं वो अनपैक करती हूँ। अच्छा, ये मैंने क्या कहते हैं उसको, वो जो स्कार्फ होता है फलस्तीन वाला, वो मैंने मंगवाया था। इसकी बहुत अच्छी जो है रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे तो मैंने सोचा मैं ये मंगवाती हूँ। अच्छा जी, ये स्कार्फ है, इसका मैं भूल गई हूँ एग्जैक्टली के व्हाट यू कॉल इट, सॉरी गजनी हो गई हूँ मैं, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी का है और बहुत मोटा कपड़ा है, ज़बरदस्त कपड़ा है। और ये इस तरह का है कि आप इसको सर्दियों में भी पहन सकते हैं, बल्कि सर्दियों के लिहाज से तो बहुत ही ज़बरदस्त है। सो ये मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है और ये मैं पहनूंगी। आई थिंक जीन्स के साथ, टी शर्ट के साथ या कोई काला कुर्ता शलवार हुआ तो उसके साथ मैं इसको पहनूंगी। मुझे काफ़ी टाइम से चाहिए था लेकिन मैं रिव्यूज़ चेक कर रही थी कि ज़रा अच्छी क्वालिटी का मुझे मिले। सो दिस इज़ रियली गुड, मैं मेरे ख्याल से इसको 10 out of 10 दूंगी। और अब हम खोलेंगे ये वाले पैकेजेस। पहले ये वाला खोलती हूँ, देखती हूँ इसके अंदर क्या है। इसके अंदर ईयरिंग्स हैं और चोकर है। सारे जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। तो ये आपने देखा होगा कि बहुत ट्रेंडी हैं आजकल चोकर्स, तो ये चोकर है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है, बहुत खूबसूरत ये फ्लावर बना हुआ है, इसके साथ डोरी है काफ़ी लंबी, इसको आप इस तरह गले पे बांध सकते हैं और टाई कर सकते हैं। आजकल ये बहुत फैशन में, ये ब्लैक में मैंने मंगवाया था, इसमें डिफरेंट कलर्स भी आते हैं, इट्स ब्यूटिफुल। ओके, ये ईयरिंग्स हैं, इनको हम देखते हैं। अच्छा जी, ये जो ईयरिंग्स हैं इनका ऑलरेडी एक मोती झड़ा हुआ निकला हुआ है, लेकिन शुक्र है कि ये इसके साथ ही था तो मैं इसको एल्फी से चिपका लूँगी। एक पहन के आप लोगों को दिखाती हूँ, क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लग रही है। इस तरह के हैं, छोटे से, क्यूट से और क्वालिटी वाइज अच्छे हैं, लेकिन एक जो दूसरा वाला है ईयरिंग उसका मोती निकला हुआ था। ये जो पर्ल्स हैं, दीज आर क्यूट, दीज आर रियली क्यूट, लुक एट दिस, वेरी प्रिटी, आई लाइक इट। शुक्र है कि इसका जो पर्ल निकला हुआ था वो इसी में था तो मैं इसको जोड़ सकती हूँ। अच्छा, इसमें से भी ईयरिंग्स निकले हैं, मैंने पहली दफ़ा दराज से जो है ना ज्वेलरी की शॉपिंग की है।
छज्जी। अच्छा ये हैं इयररिंग्स, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है और मुझे बड़ा पसंद आया था ये डिज़ाइन, तो मैंने ये ऑर्डर कर दिए थे। और ये क्वालिटी वाइज बहुत अच्छे हैं, बहुत हैवी नहीं है लेकिन सॉलिड है। इस तरह के नहीं हैं कि जी पहनते टूट जाएं या मुड़ जाएं। लवली लवली, आई लव इट, सीरियसली आई लव इट, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, 10 out of 10। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इसके अंदर भी ज्वेलरी है, इसमें से भी ज्वेलरी निकली है, इसके अंदर भी इयररिंग्स हैं। और मुझे क्यों लग रहा है कि ये टूटे हुए हैं, लेट्स चेक। अच्छा जी, एक वाकई टूटा हुआ नहीं, पता नहीं टूटे हुए नहीं है, शायद ये इस तरह जुड़ेंगे। ये आप लोगों ने देखे होंगे आजकल बहुत ज़्यादा ये चेरीज वाले चल रहे हैं इयररिंग्स फैशन में। अच्छा नहीं, ये टूटे हुए नहीं है, ये एक्चुअली इस तरह से लॉक होते हैं। बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, मेरे कपड़ों के साथ जा रहे हैं यार। मैं इसको सबसे आखिर में ट्राई करूँगी, बल्कि अभी कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, क्योंकि ये मेरे कपड़ों के साथ जा रहे हैं। अच्छा इस तरह आपने इनको पहनना है। उप्स, बहुत अच्छी क्वालिटी का है ये, और देखिए इसके अंदर होल है। आपने उस होल के अंदर इसको डाल देना है। ब्यूटिफुल, बहुत अच्छी क्वालिटी है, 10 out of 10। सस्ती और अच्छी चीज़ें। इसके अंदर क्या है, मुझे नज़र नहीं आ रहा कि इसके अंदर क्या है, लेट्स सी। अच्छा जी, इसके अंदर से भी ईयरिंग्स निकले हैं, ईयरिंग्स। ओके सो इसके अंदर से निकले हैं सिल्वर ईयरिंग्स, बहुत शानदार क्वालिटी के हैं। मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं घटिया सी क्वालिटी की चीज़ें ना आ जाएं। ये देखें, बहुत अच्छी क्वालिटी है। इसमें से और ज्वेलरी निकली है। अच्छा बस यही है और कुछ नहीं है। ये क्या है, आई थिंक ये नेकलेस लग रहा है मुझे। ये गोल्डन जो है चेन है, और आई थिंक उसके साथ पेंडेंट है। तो ये चेन और पेंडेंट है। ओके हाँ, ये मुझे बहुत क्यूट लगा था। एक सेकेंड, ओह टैंगल हो गया, बहुत बुरी तरह से जो है ना ये सारा उलझ गया था। तो ये है बहुत ही प्यारा सा पेंडेंट, हार्ट बना हुआ है, ये देखें हार्ट बना हुआ है, और ये उसके साथ गोल्डन चेन है, और इसका साइज भी बहुत अच्छा है, और हार्ट के ऊपर लिखा हुआ है लव। अब देखते हैं कि इसमें क्या है। इसमें से निकले हैं ब्रेसलेट्स निकले हैं और इयररिंग्स निकले हैं। क्या दिखाऊं सबसे पहले बताएं। अच्छा जो लड़कियां बेचारी दराज हॉल, बड़ी ज़बरदस्त ज़बरदस्त दराज हॉल करती हैं लड़कियां, और वो मैंने देखा है कि क्योंकि जाहिर सी बात है उनका फेस तो नज़र नहीं आ रहा होता, तो वो बड़ा एस्थेटिक किस्म का दराज हॉल कर रही होती है। लेकिन मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं नहीं कर सकती एस्थेटिक किस्म का दराज हॉल, मैं तो पहन के चीज़ दिखा देती हूँ आपको। अच्छा जी, ये हार्ट शेप के इयररिंग्स हैं, इस तरह से टॉप्स है, और ये पीछे से इसके अटैच होगा। किधर हो, किधर हो, किधर हो भाई जी। ये इस तरह से हैं और ये बहुत प्यारे हैं, बहुत क्यूट हैं। अभी मैंने इसको लॉक नहीं किया पीछे से, तो ये भी बहुत खूबसूरत हैं, नाजुक से प्यारे से हार्ट बना हुआ है। तो ये भी मेरी तरफ से ओके की रिपोर्ट है। और ये रहे ब्रेसलेट्स, ये काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, लेट्स ट्राई देम, लुक एट दिस, दिस इज सो प्रिटी, आई लव इट। आप देखते हैं कि ये आखिरी जो चीज़ है इसमें क्या है। आपको पता है बाज़ात ये तक हुआ है मेरे साथ कि मैंने चीज़ें फेंक दी गलती से। मतलब जब आप दराज हॉल कर रहे होते हैं तो आपके पास छोटे छोटे इतने सारे पार्सल्स होते हैं, तो आप एक चीज़ निकाल लेते हैं और कहीं दूसरी चीज़ उसके कोने खुदरे में होती है और आपको पता नहीं लगता। तो ये भी चोकर है, और बहुत आई थिंक चोकर ये, यस ये क्योंकि इतने ज़्यादा फैशन में है, तो ये मैंने सोचा कि ये मैं मंगवा ही लूँ। ये बहुत प्यारा है, वो भी बहुत अच्छा है, जो मैंने आपको पहले दिखाया था वो ब्लैक था पूरा, और ये जो है ये पर्ल्स के साथ है। तो इसको मैं आपको पहन के दिखाती हूँ ताकि आपको अंदाजा हो जाए। इट्स वेरी प्रिटी,
इस तरह से है ये, और बहुत खूबसूरत सा फ्लावर बना हुआ है, चोकर है गया। तो जी ये था दराज हॉल, मैंने पहली दफ़ा ज्वेलरी दराज से ऑर्डर किया और मेरा बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ। और ये जो ड्रेस है ये मैं आपको पूरा दिखाती हूँ, पिक्चर्स जो हैं वो मैं शेयर कर दूंगी ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए। बहुत खूबसूरत ये ड्रेस है, बहुत कंफर्टेबल है। आप समझे कि खाड़ी का साइज़ 12 जो होता है, 12 या 14 अगर आप पहनते हैं, तो आप लार्ज साइज़ ऑर्डर कर सकते हैं। कपड़ा बहुत पायदार है, स्टिचिंग भी बहुत अच्छी है, और मतलब मुझे हैरत हो रही थी कि इतना सस्ता और इतना अच्छा टू पीस जोड़ा आपको कैसे मिल सकता है, लेकिन मिल सकता है, दराज पे मिल रहा है। तो आप लोग ज़रूर जाके चेकआउट कीजिएगा, मैं आप लोगों के साथ जो लिंक्स हैं वो शेयर कर दूंगी। एंड आई होप आप लोगों को मेरा दराज का हॉल पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बहुत सारे दराज के हॉल जो है ना, हॉल्स आने वाले हैं फ्यूचर में भी, सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किस बात की देर है, सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो अपलोड हो आपको पता चल जाए। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।